में चुनौतियों की भरमार होती है और उसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हमारे प्राकृतिक जल स्रोत सारे सूख जाते हैं और ऐसी स्थिति में जीव जंतुओं के लिए, मवेशियों के लिए, जंगली जानवरों के लिए शुद्ध पानी कैसे मिले, ये सबसे बड़ी चिंता होती है। लेकिन जब जीव दया को मानने वाले, जीव दया के लिए जीने वाले लोग गाँव में होते हैं तो ये चुनौती का भी सामना कर लेते हैं। हम एक बड़ा सा नाड़ा देख रहे हैं, नाड़ी नाड़ा जो भी इसको कहें, तालाब कहें, और इस तालाब में अभी चूंकि मई का महीना है तो ये तो आप मान के चलिए कि बरसात का पानी नहीं है, लेकिन ये पानी को भरवाया है बोरिंग के माध्यम से ताकि इस क्षेत्र में, ये हम इधर देखेंगे तो गोयली गांव है और इस गोयली गांव से लगभग किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर ये एक तरह से नाड़ा है। यहाँ पक्षी, पशु पक्षी, हम कुछ भैंसों को भी देख रहे हैं, वो अपनी एक तरीका है कि इसमें अंदर भी ये आनंद लेती हैं। भाई साहब आप बताएं, ये क्या क्या आप किस तरह से इसको करते हैं? कार्य तो बहुत अच्छा है सर। सर मेरा नाम धीरज प्रजापति है, मैं यहाँ से गोयली निवासी हूँ जी, स्थानीय। हाँ। और ये लगभग 3-4 साल से सूखा रहता है गर्मी के दिनों में। निश्चित रूप से गर्मियों में तो सभी सूख जाते हैं। नाथू सिंह सोलंकी जो अध्यक्ष हमारे जय अंबिका मंडल गोयली और हमारी पूरी टीम मिल के हम 3 साल से लगातार गर्मियों के दिनों में हम आए दिन जो पास में कुआ पड़ रहा है वहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर से हम पानी की व्यवस्था पाइप लगा के इसमें पूरे कम से कम 8-10 दिन लगते हैं भरने के लिए। 24 घंटे पानी चालू होता है तब जाके 8-10 दिनों में ये पूरा तालाब भरता है और आने जाने वाले मवेशी जीव जंतु सब पानी की पीते हैं और उनको प्यास बुझती रहती है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसे पुण्य काम करने का मौका मिल रहा है और हम आए दिन पूरे गांव के चारों तरफ हम देखते हैं तो हम सब जहाँ भी पानी की किल्लत होती है, जैसे कोई ओडू है, तालाब है, कोई भी है, जहाँ भी हम पानी की सुविधा कर सके ताकि जीव जंतुओं को कोई परेशानी ना हो और पीने का पानी साफ सुथरा मिले। देखिए ये हम जब इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि गाँव में ये जो मानवीयता के दर्शन हमको ज़्यादा होते हैं, हालांकि गांव के ही लोग हैं जो शहर में जाके इस तरह की सेवा करते हैं। नाथू सिंह जी, मैं आपके बारे में बहुत सुन रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ आज कि समाज सेवा के बहुत सारे कार्यों में आप सीधी सीधी भागीदारी निभाते हैं, हालांकि ये सारा श्रेय आप उन भामाशाहों को देते हैं जो आपको सहयोग करते हैं। अंबिका मंडल नाम आते ही लगता है कि माँ की साक्षात कृपा है आपके ऊपर और इसलिए जो भी आप संकल्प लेते हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये पानी साफ सुथरा है, एक हमारे जीव दया के प्रेमी भी अमित भाई है। अमित भाई आप तो इस गोयली के वासी हैं, क्या आपके अंदर क्या क्या कहेंगे आप इस दृश्य को देख के? आनंद तो आ रहा है आपको भी? बिल्कुल आनंद आ रहा है जी। मैं गोयली का निवासी हूँ। हाँ। गोयली एकमात्र सिरोही जिले का ऐसा गांव है, अरे वाह, जो चारों तरफ पशु पक्षियों के लिए पानी की सुविधा जी, चारे पानी की संपूर्ण मात्रा में ग्रीष्म काल अवकाश तक यहाँ संचालित होती है जी, जी, और यहाँ के स्थानीय लोग इतने दिलदार, इतने दानवीर है 100% उसका कोई मुकाबला नहीं। वाह वाह, यहाँ एक भी पशुधन बिना पानी बिना चारे को मरे नहीं। चारा चलो सेकेंडरी है, पहला तो पानी है सबसे महत्वपूर्ण, और आप चारा भी खिलाते हैं। मैं बहुत सारी गायों के आपको एक सीन दिखाऊंगा, उससे आपको लग जाएगा कि यहाँ की सेवा कितनी प्राथमिकता से की जाती है। गायों के लिए पर डे 5-6 ट्रॉली हरा चारे की व्यवस्था जी, और जी, रात जी। में जितनी भी जो गाय है हाँ। वो हमारे गांवों के बीच में जो मेन आखरिया चौक है वहाँ पे कम से कम 150-200 गाय रात को भी आती है, उनके लिए भी हमने सूखे सारा खाखले की व्यवस्था। मैं आपको उन गायों के दर्शन करा दूं जो अद्भुत तरीके से ये लोग सेवा करते हैं। ये जो हम पानी देख रहे हैं यहाँ 5-6 दिन लगातार मोटर चलाई थी, ये सर किन की तरफ से ये व्यवस्था की है? ये सर हमारे समाज के एक भामाशाह है जी जी, अशोक जी कन्हैयालाल जी प्रजापत, ये गोयली के निवासी हैं? नहीं, वो बाहर के निवासी है लेकिन उन्होंने कुआ खरीद के रखा हुआ है। ओके। वो सिरोही के है प्रॉपर तो जी जी। लेकिन उन्होंने हमारे टीम को सराहनीय काम देख के उनके भी मन में एक भाव जागरूक पैदा हुआ कि आप अच्छा काम करो तो मैं भी आपके साथ में क्यों न जुड़ू जी, मैं भी क्यों जीव दया के लिए क्यों न मतलब सहायता कर सकूं जी जी। तो
के कहने से कम 7-8 दिन लगातार 24 घंटे निश्चित रूप से निश्चित रूप से, और हमने ये पानी की शुद्ध पानी व्यवस्था की है और आने जाने वाले। देखिए हम ईश्वर नहीं बन सकते लेकिन ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये अपने आय हाय हाय पाइप की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पाइप की व्यवस्था चलिए चलिए बहुत धन्यवाद सर 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 सभी को जाता है ये श्रेय सभी को जाता है। ये हम एक साथ इतनी गायों को देख रहे हैं, ये वैसे कोई गौशाला नहीं है लेकिन किसी गौशाला का नजारा ही दिखता है। ये गोली गांव है और गोली गांव में पूरे गांव की गौ माता या गोवंश इसी स्थान पर इकट्ठा होता है। यहां पर चूंकि परिस्थितियां अभी गर्मी का मौसम है तो इस दौरान इनको चारे पानी की व्यवस्था का काम भले ही चुनौती वाला होता है लेकिन हमारे सामने कुछ ये टीम है, ये सिरो ये गोयली अंबिका जो मंडल है, यहाँ की जो माता जी की सभी भक्त हैं ये लोग अपनी ऊर्जा लगाकर भामाशाहों से सहयोग लेकर ये व्यवस्था करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल होता है, यहाँ एक विचार जरूर उत्पन्न होता है कि क्या हम हर गांव में या हर गांव पंचायत में गौशाला नहीं खोल सकते क्या, क्योंकि इसकी आज आवश्यकता है। और यहाँ हमारे साथ कुछ गोभक्त हैं उनसे भी हम राय लेंगे लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बता दूँ गांव में आज भी बहुत भाव हैं लोगों के और हर गांव में आज इस बात की आवश्यकता है कि एक सार्वजनिक गौशाला खोली जाए और उस गौशाला का संचालन गांव की स्थानीय कमेटी करें। उसमें जैसे जैसे ये गोयली गांव है तो गोयली गांव में इस तरह की यहां पर भाव है लोगों के, एक कमेटी है जो इनको चारा पानी दाना और तमाम तरह की सूखा चारा खाखला वो आज अभी बता रहे थे यहां नाथू सिंह जी और तमाम लोग हैं जो इस सेवा कार्य में लगे रहे हैं। ये सैकड़ों की संख्या में गोवंश हैं लेकिन क्या हमारी सरकार, हमारा प्रशासन इस तरह की और हमारे जनप्रतिनिधि एक बड़ा इस कोरोना काल में एक काम कर दे। वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, हमारे गोचर और ओरण को डेवलप करना पड़ेगा और हमारे हर गांव में इस तरह की एक गौशाला अगर खोल दी जाए स्थानीय सहयोग से, राज समाज और भामाशाहों के सहयोग से तो भी भला हो सकता है, क्योंकि गोवंश से निकली हुई दुआ या गोवंश के मुंह से सांस के साथ निकली आह ये दोनों को दोनों बहुत काम करती हैं। तो हम चाहेंगे कि हम और हमारे गांव और हमारी सरकारें और हमारे यहां के तमाम गोभक्त इनका आशीर्वाद मिलता रहे। ये हमारे साथ में ये कुछ गोभक्त हैं जो इनकी तमाम व्यवस्था क्या इनको चारा पानी की क्या व्यवस्था करते हैं सर, आप कैसे करते हैं? भामाशाहों के सहयोग से हरा चारा डाला जाता है। जी जी, सुबह सुबह हरा चारा और रात को खाखला और हरा चारा भामाशाहों के सहयोग से। ये कहाँ डालते हैं? ये खुले में डालते हैं? अच्छा, सबको ओडू बनाया हुआ है। जी जी, बनाया हुआ है। अब ओडू एक कम था, एक और ओडू बनाया गया। अब ये गाय, इन गायों के कोई मालिक है? अब इसको बेसारा ही माने, अब पूरा गाँव मालिक है इनका। ठीक बात है। तो क्या लगता है आपको, गांव में गौशाला खुलनी चाहिए? हैं भाई, अगर एक गौशाला खोल दी जाए, एक गौशाला के लिए क्या है, तीन चीज चाहिए। एक गौशाला के नाम की जमीन हो, उसके लिए फिर उनके सहयोग से टीन शेड और रजिस्ट्रेशन हो, और यहाँ के गोचर डेवलप हो। हर जगह के गोचर और ओरन डेवलप होंगे तो बहुत कुछ भला हो सकता है। अब चूंकि एक कुदरत ने एक ऐसी व्यवस्था की है, गांवों की तरफ कुदरत ने हमको एक धक्का दिया है कि हम गांवों में जाके कुछ काम करें, तो गांव में काम करने का एक काम ये भी है कि हम गोवंश की रक्षा करें। गोवंश हमारी रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षित है, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। गोयली गाँव के लोगों का मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ कि इन लोगों में भाव हैं, सेवा के भाव हैं, गो भक्ति के, जीव दया के भाव हैं। जय गो माता, नमन।